अवगत कराना है कि सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मंसूर खान जी के निर्देश के अनुसार ट्विटर के दमनात्मक और गैर जिम्मेदार रवैये के खिलाफ, जो कतई हिंदुस्तान के हक में नहीं है, एक ट्विटर ट्रेंड सूफी इस्लामी बोर्ड की आईटी सेल के जरिए चलाया गया। ब्रिंग बैक हमारा हिंद के नाम से यह ट्विटर ट्रेंड चलाया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई मामले ऐसे आए जिससे ट्विटर कंपनी का हिंदुस्तान के मुखालिफ ताकतों को प्रेशर देने का मामला सामने आया है। अभी कुछ दिनों पहले पीएफआई की कर्नाटक विंग को ट्विटर कंपनी के जरिए ब्लू टिक दिया गया था। मुल्क के हक में बात करने वाले कौमी नजरिए के लोग उनके ट्विटर हैंडल को एक बड़ी तादाद में ट्विटर कंपनी ने सस्पेंड किया है। हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी और आज भी हम इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड हमेशा उन ताकतों की मुखालफत करता रहा है जो हिंदुस्तान के मुखालिफ, हिंदुस्तान के नजरिए के मुखालिफ काम करती हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड के मीडिया पार्टनर हमारा हिंद, जो गंगा जमनी तहजीब का एक वाहिद उर्दू इदारा है, हमारा हिंद के ट्विटर हैंडल को ट्विटर के जरिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह इंतहाई अफसोस की बात है कि जो लोग मुल्क मफाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान के हित की बात करते हैं, ट्विटर कंपनी उनकी जबानों पर ताला लगाने का काम करती है। हमने आज ये ट्विटर ट्रेंड चला करके जो टॉप पर रहा और ट्विटर के ही प्लेटफॉर्म पर टॉप पर रहा, हम इसके जरिए मुतनब्बा कर देना चाहते हैं ट्विटर कंपनी को कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, वरना सूफी इस्लामिक बोर्ड की जितनी भी इकाई हिंदुस्तान में है, जहां कहीं भी है, वो ट्विटर कंपनी के जहां जहां भी हेडक्वार्टर्स हैं, जहां भी इनके ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज के सामने हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हम हिंदुस्तान के नए आईटी मिनिस्टर साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सूफी इस्लामिक बोर्ड ने जो भी खतूत ट्विटर के मुतालिक उन्हें लिखे हैं, उन पर गौर फरमाते हुए ट्विटर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और साथ ही हमारे इस ट्विटर ट्रेंड को कामयाब बनाने के लिए हमारी आईटी सेल के तमाम जिम्मेदारान और तमाम वो लोग जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हमारे इस कारवां में शामिल हुए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।